कौशाम्बी जिले में कोखराज पुलिस ने गंगा नदी से कछुओं की तस्करी करने वाले एक ऐसे साथी गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो कछुओं की खाल की तस्करी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में कछुए की खाल व शिकार करने का उपकरण बरामद किया है। बरामद की गई खाल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। कोखराज थाने के इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं, जो लंबे समय से कछुओं की तस्करी के कार्य में लिप्त थे। आरोपियों ने बताया कि जिंदा कछुओं की तस्करी में स्थानीय पुलिस और वन कर्मियों का हमेशा भय बना रहता है, इसलिए गंगा नदी से कछुओं के शिकार करने के बाद उनकी खाल उतार ली जाती है और मांस का पैकेट तैयार कर गैर प्रांत के लिए स्कूल वैन से सप्लाई भेज दी जाती है। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक बरामद की गई कछुए की खाल बेहद ही बेशकीमती बताई जा रही है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा कई अन्य विदेशी प्रोडक्ट में भी किया जाता है। क्राइम स्टोरी के लिए कौशाम्बी से शिव शंकर मदनवाल की रिपोर्ट। तो अभी तो अरेस्ट किया गया है, ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, इनके पास से काफ़ी मात्रा में मांस खाल आदि कछुए का मिला है, काफ़ी बड़े कछुए हैं। और पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि इसकी मार्केट में इनको अच्छी कीमत मिलती है, इसका उपयोग और आयुर्वेदिक औषधि आदि में होता है। इनसे और पूछताछ की जा रही है, अपने कुछ और साथियों के नाम बताए हैं जिनको हम लोग शीघ्र अरेस्ट करेंगे।